दिस ईयर आई जनरेटेड टोटल ऑफ 1,42,91,979. We earned as a company a total of 27,23,00,000 rupees. हम करोड़ों में कमा लेते पर बट प्रोबेबली करोड़ों रुपए कमाने के लिए आपके पास करोड़ों सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, राइट? रॉन्ग। ये है सलोनी श्रीवास्तव, जिन्होंने 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमाए विद जस्ट 200K सब्सक्राइबर्स। एंड इन दीस 3 months आई हैव मेड ओवर 1 करोड़। एक करियर जो आज से 10 साल पहले तक एग्जिस्ट भी नहीं करता था, उसे ना सिर्फ लोग कर रहे हैं बट करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बिलियनर्स कर रहे हैं, गैंगस्टर्स कर रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़कर कर रहे हैं, जॉब वाले जॉब छोड़कर कर रहे हैं, और तो और ट्रक वाले भी कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाई? क्या सही में कंटेंट क्रिएशन में इतना पैसा है? एंड अगर है तो हाउ डू यू बिकम अ मिलियनेयर थ्रू कंटेंट क्रिएशन? इस वीडियो में जानेंगे। नवल रविकांत, जो कि बिलियनर्स है एंड अपने ट्विटर थ्रेड्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो बताते हैं कि आजकल के ज़माने में अमीर होने के लिए आपके पास इन 4 में से एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। फर्स्ट इज पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। ये सबसे इजी वे है टू गेट रिच बिना कुछ काम किए। आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए एंड कुछ साल बाद आपको उसका रिटर्न मिल गया, आपने बिना कुछ मेहनत किए पैसे कमा लिए। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, दिस स्कीम इज नॉट फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास। हम में से ज्यादातर लोगों के पास करोड़ों रुपए होते ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। हम कुछ लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाते हैं एंड उस पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं मिलता। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एंड अगर उस पर 100% रिटर्न भी मिल रहा है, वो पैसे डबल भी हो गए, तो सिर्फ 2 लाख रुपए आपको वापस मिलेंगे। बट अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको वापस 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, विच इज नॉट एट ऑल अ बैड डील। जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना बड़ा रिटर्न आपको मिलेगा। इसलिए तो कोविड के टाइम पर जब सब कुछ सस्ता हो गया था तो रिच और ज्यादा रिच हो गए एंड पुअर और ज्यादा पुअर हो गए। तो ये पहली स्कीम डेफिनेटली बहुत अच्छी स्कीम है टू गेट रिच, बट अनफॉर्चुनेटली दिस स्कीम इज नॉट फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास। सेकेंड इज पावर ऑफ पीपल। अगर आपके अंडर हजारों या लाखों बंदे काम कर रहे हैं तो आप उनसे काम करवाकर काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो एंड अमीर बन सकते हो। पर आप बोलोगे कि भाई इसके लिए भी तो पैसे चाहिए, इतने लोगों को हायर करने के लिए उनकी सैलरी देनी पड़ेगी। वेल नहीं। आपको क्या लगता है ये पॉलिटिशियन या फिर ये बाबा लोग लाखों लोगों को पैसे देते हैं अपना काम करवाने के लिए? लोगों से काम करवाने के लिए आपको पैसे से ज्यादा इन्फ्लुएंस चाहिए। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ईशा सेंटर गए हुए हैं, बट वहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हजारों लोग जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, उनको कोई भी सैलरी नहीं मिल रही एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सदगुरु एंड हिज नॉलेज। इसलिए अगर आप काफी लोगों से पैसे देकर या बिना पैसे दिए काम करवा सकते हो तो डेफिनेटली यू विल बिकम रिच। थर्ड इज पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना देते हो जो लाखों करोड़ों लोगों के काम आ जाए तो यू कैन ईजली बिकम रिच। इन फैक्ट वर्ल्ड के एंड इंडिया के भी काफी लोग टेक्नोलॉजी की वजह से ही रिच हुए हैं। फिर चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, एलन मस्क हो, रितेश अग्रवाल हो, निखिल कामत हो या नारायण मूर्ति हो, मतलब मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिसमें किसी मिडिल क्लास बंदे ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर दी जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अमीर हो गया एंड बिलियनर बन गया। फोर्थ इज पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये सबसे लेटेस्ट फील्ड है जिसकी वजह से आज लोग मिलियनेयर बन रहे हैं एंड फ्यूचर में बिलियनेयर्स तक बन सकते हैं। पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आप अपनी बात को या फिर अपने प्रोडक्ट को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हो बिना एक पैसा खर्च किए। और डिटेल में जाऊं तो ऐसा बंदा जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो। आजकल का सोशल मीडिया इज लाइक मॉडर्न डे किंगडम। जैसे पहले राजा महाराजाओं के पास अपनी खुद की आर्मी होती थी, वैसे ही आजकल इन्फ्लुएंसर्स के पास खुद की आर्मी है। फिर चाहे वो एल्विश आर्मी हो, ध्रुव राठी आर्मी हो, पांडा गैंग हो या फिर कोई और गैंग हो, कॉन्सेप्ट राजा महाराजों वाला ही है, बस जमाना बदल गया है एंड लोग ऑनलाइन आ गए हैं। आज से कुछ साल पहले तक मैंने कभी भी नहीं सुना था कि एक 22 साल का लड़का मिलियनेयर बन गया है या फिर लोग ऑनलाइन डांस कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। बट दैट इज चेंजिंग नाउ। अब फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है या फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कोई भी मिलियनेयर बन सकता है। आपको बस एक फोन चाहिए एंड इंटरनेट चाहिए। एंड अगर कंटेंट अच्छा है तो आपको मिलियनेयर बनने में टाइम भी नहीं लगेगा, जैसे अंकित बयानपुरिया है या फिर फाइनेंस विद शरण है जिन्होंने सिर्फ 1 रात में 25 लाख रुपए कमा लिए थे। I just put out a story. And I thought, and I slept. I thought, okay, 500 people might register for my masterclass. When I woke up, there were 5,000 registrations, 25 lakhs in the bank.
पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक मिलियनेयर बनने के लिए आपके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होने चाहिए एंड उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। पहली बात तो सबको ज्यादा टाइम नहीं लगता, जिसका कंटेंट अच्छा होगा वो एक दो साल में ही मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स पा लेगा, जैसे फाइनेंस विद शरण है या फिर अंकित बयानपुरिया है। और दूसरी बात कि मिलियनेयर बनने के लिए आपके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होने चाहिए, ये बात भी सच नहीं है। एंड यहीं पर आता है फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है द पावर ऑफ सुपर फैंस। बहुत सारे लोग अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कभी स्टार्ट ही नहीं करते। उनको लगता है कि कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाने के लिए आपके पास लाखों या फिर करोड़ों फॉलोअर्स होने चाहिए, बट ये क्रिएटर इकोनॉमी का सबसे बड़ा मिथ है। 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए आपके पास 1 करोड़ फॉलोअर्स नहीं होने चाहिए, आपको बस 5,000 फॉलोअर्स चाहिए जो आपको 2,000 रुपए दे देंगे एंड बस आप बन गए करोड़पति। यही हुआ था सलोनी श्रीवास्तव के साथ, जिसका एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में दिया था। उन्होंने कोविड के टाइम पर अपना 2,000 रुपए का कोर्स लॉन्च किया था एंड उसको उनके 2 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 5,000 लोगों ने खरीदा था एंड उन्होंने उससे 1 करोड़ रुपए कमा लिए थे। एंड ऐसे ही कुछ ईशान शर्मा ने किया था विद 500,000 फॉलोअर्स। और ये तो वो लोग हैं जो खुलकर इंटरनेट पर अपनी इनकम बता रहे हैं। मैं खुद बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो करोड़ों लाखों रुपए कमा रहे हैं एंड किसी को आइडिया तक नहीं है। सुपर फैंस वो लोग होते हैं जो सिर्फ आपकी वीडियोस नहीं देखते बट आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए पैसे भी देने को तैयार हैं। ये है लोगन पॉल, जिन्होंने 3 दिन में $3 मिलियन कमाए थे, मतलब की 25 करोड़ रुपए, एंड वो भी सिर्फ अपनी मर्च बेचकर। I just made $3 million in 3 days. एंड अगर आपको लग रहा है कि उसकी मर्च में कुछ बहुत खास था, सोने वोने की बनी थी, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल टी शर्ट थी विद सिंपल डिजाइन। पर फिर क्वेश्चन ये उठता है कि इतने सारे लोग उनकी मर्चेंडाइज क्यों खरीद रहे थे रादर देन बाइंग फ्रॉम बिग ब्रांड्स लाइक जारा एंड H&M। वेल, इसका बहुत ही सिंपल रीजन था, उनके जो फैंस थे वो काफी सारे लोग सुपर फैंस थे एंड उनको भी वही टी शर्ट पहननी थी जो उनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर पहन रहा था। इसलिए आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स या नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इतने मैटर नहीं करते जितने आपके सुपर फैंस मैटर करते हैं। हो सकता है दो लोग सेम नीश में हो, सेम फॉलोअर्स हो, सेम व्यूज भी आते हो, इनफैक्ट पापा तक सेम हो, बट हो सकता है कि एक बंदा बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा हो एंड दूसरा कुछ भी ना कमा रहा हो। आई नो क्रिएटर्स ऑफ द सेम कैटेगरी, बोथ ऑफ देम हैव 100,000 फॉलोअर्स, वन ऑफ देम मेक्स 50 लाख अ ईयर, द अदर डजंट इवन मेक 5 लाख अ ईयर। अब ये सुपर फैंस बनाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना काम ऑनलाइन दिखाना है एंड अपने आप लोग आपके सुपर फैंस बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डॉक्टर हो एंड कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपके सुपर फैंस वो लोग होंगे जिनको डॉक्टर बनना है। ऐसे अगर आप एक पायलट हो एंड कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपके सुपर फैंस वो लोग होंगे जिनको पायलट बनना है। ऐसे जिम ट्रेनर्स के लिए, टीचर्स के लिए, एक्टर्स के लिए एक्सेट्रा। और बेस्ट बात यह है कि कंटेंट क्रिएट करने के लिए इनिशियली आपको अपनी जॉब या फिर अपनी पढ़ाई छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, आप दोनों काम साथ में कर सकते हो। यूट्यूब पर अगर आपकी वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आते हैं तो आपको सिर्फ 50 से 60 हजार रुपए मिलते हैं, बट अगर वो 1 मिलियन लोग आपको 1-1 रुपया भी दे दे तो 10 लाख रुपए होते हैं। एंड दिस इज द पावर ऑफ सुपर फैंस। अब अगर बात YouTube की हो ही रही है तो सेकंड कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, जो है पावर ऑफ नीशेस। आज से 20 साल पहले जिन्होंने इंटरनेट समझ लिया वो लोग आज अंधा पैसे कमा रहे हैं, फिर चाहे वो Amazon वाला हो, Facebook वाला हो, Netflix वाला हो। सिमिलरली जिन्होंने आज कंटेंट क्रिएशन को समझ लिया वो नेक्स्ट 10-20 सालों में बिलियनेयर्स होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि ये निखिल कामत, अश्नीर ग्रोवर, एंड्रू टेट, ये लोग क्यों कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? क्या ये लोग अपने बिजनेस से बोर हो गए? वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको पता है कि कंटेंट क्रिएशन इज द फ्यूचर एंड ये अभी से उस रेस में पार्ट ले रहे हैं। ओवर टाइम इनको भी रियलाइज हो गया कि कोई भी बंदा अब टीवी या फिर न्यूज़पेपर नहीं देख रहा है, एवरीवन इज वॉचिंग यूट्यूब एंड बस ये उसी चीज का एडवांटेज उठा रहे हैं। और ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल होती है, मतलब हो सकता है कि आप पहले महीने में 1 लाख रुपए कमा रहे हो, दूसरे महीने में आप 2 लाख रुपए कमा लो एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप 25 लाख रुपए तक कमा लो। इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसी और करियर में पॉसिबल ही नहीं है। एंड देन द ब्यूटी ऑफ द क्रिएटर इकोनॉमी इज दैट इट डजंट गो इन अ स्ट्रेट लाइन, योर सैलरी गोज अप इन अ स्ट्रेट लाइन इफ यू हैव अ जॉब, 10% 10% 10% एवरी मंथ, बट इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर योर सैलरी विल गो अप लाइक दिस। बट इसमें कैच है,
हर क्रिएटर हर नीच में सेम पैसे नहीं कमाता। अगर एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर के 2 मिलियन फॉलोअर्स है एंड एक व्लॉगर के 2 मिलियन फॉलोअर्स है तो एनी डे वो फाइनेंस वाला ज्यादा पैसे कमाएगा उस व्लॉगर से। एंड इसके पीछे 2 मेन रीजन है। सबसे पहला है यूट्यूब एडसेंस। यूट्यूब कुछ नीच में ज्यादा पैसे देता है एंड कुछ नीच में कम पैसे देता है। मतलब फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉडकास्ट जैसे चैनल्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं एंड व्लॉगिंग, प्रैंक या कॉमेडी जैसे चैनल्स को कम पैसे मिलते हैं। एंड सेम ही चीज ब्रांड्स के लिए भी अप्लाई होती है। एक ब्रांड उस इन्फ्लुएंसर को ज्यादा पैसे देगी जिसकी ऑडियंस शहर में रहती है एंड ज्यादा पैसे कमाती है, रादर देन उस इन्फ्लुएंसर को जिसकी ऑडियंस गाँव में रहती है एंड कम पैसे कमाती है। एक स्टॉक वाले ऐप को डाउनलोड करने की किसके चांसेस ज्यादा है, वो बंदे जो शहर में रहते हैं ऑफिस में काम करते हैं या फिर वो लोग जो गांव में खेती करते हैं? आंसर आपके सामने है। एंड बस इसीलिए ही एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स को ब्रांड ज्यादा पैसे देती है रादर देन कॉमेडियंस या फिर प्रैंकस्टर्स या फिर व्लॉगर्स। और कुछ कंटेंट क्रिएटर्स तो 40-40 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे हैं सिर्फ एक रील का, क्योंकि उनकी ऑडियंस क्रीम ऑफ द क्रीम है इंडियन पॉपुलेशन की। आई नो क्रिएटर्स हु आर चार्जिंग 15 लाख टू मेक इवन अ रील। I know creators who've been paid like 35-40 lakhs to make a reel. Like the deals really depends on who you are, what is your brand, how premium are you, who are the people who are managing you. So you're saying it's less about the views, or it's a mix of the views and what people think of when they think about you. What people think of you. What it's a mix of views, what genre you're in, and what is your perception as a creator. इसलिए जितना आपका content niche होगा उतना कम competition आपको मिलेगा and brands के पास भी बहुत ही कम choices होंगी किसी एक creator को choose करने के लिए and बस फिर आप अपना मुंह मांगा प्राइस मांग सकते हो ब्रांड से। इमेजिन करो कि आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हो जहाँ पे 10 और लोग हैं, तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% है। बट अगर आप एक ऐसी रेस में पार्ट लेते हो जहाँ पर कोई और है ही नहीं आपके अलावा, तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 100% है। आपको ऐसी नीश ढूंढनी चाहिए जहां पर चाहे तो कोई बंदा कंटेंट बना नहीं रहा है, या फिर ऐसे नीश जहां पर लोग कंटेंट तो बना रहे हैं बट उस क्वालिटी तक नहीं पहुंच पा रहे। जितनी ज्यादा भीड़ वाली नीश में आप घुसोगे उतने कम चांसेस है आपके सक्सेसफुल होने के। 2016 में अलक पांडे सर को लगा कि कोई भी ढंग का फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, एंड उन्होंने सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। एंड आज देख लो, ही इज अ मल्टी मिलियनेयर। कुछ लोग ना ईगो में आकर सबसे क्राउडेड नीश में घुस जाते हैं। सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि भाई व्लॉग शुरू कर देता हूँ, कोई मेहनत ही नहीं है। बट वो सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की, क्योंकि वो वाली जो नीश है बहुत ज्यादा क्राउडेड है एंड लोग सालों तक कंटेंट बनाते रहते हैं बट उनका चैनल कभी भी मोनिटाइज नहीं हो पाता। इसलिए ऐसी नीश चूज करो जहाँ पर कॉम्पिटिशन कम हो एंड आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हो। और सही बताऊँ तो पैसे एंड सक्सेस नीश में ही है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो एंड वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज। ये है एल्विश यादव, एक कंटेंट क्रिएटर जिनको बिग बॉस में बुलाया गया। ये है फाइनेंस विद शरण, जिनको काफी सारी कंपनीज ने अपनी एड में लिया। ये है प्रजक्ता कोहली, जिनको वेब सीरीज में लीड रोल मिला। आपने कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया? इनमें से कोई भी बंदा एक्टर या फिर बिजनेसमैन नहीं है, बट फिर भी बहुत सारी कंपनीज एंड टीवी शोज इन लोगों को ले रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलैरिटी। ऐसे ही काफी सारे रियलिटी शोज है जैसे कि रोडीज, स्प्लिट्स विला एंड प्लेग्राउंड, जिसमें बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को एज अ कंटेस्टेंट लिया जा रहा है। अब कंटेंट क्रिएटर्स अपने घर पर बैठकर फोन में रील्स नहीं बना रहे बट उनको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अब वो लोग टीवी शोज में आ रहे हैं, वेब सीरीज में आ रहे हैं, कंपनियों की एड में आ रहे हैं एंड बस ये तो अभी शुरुआत ही है। और बात सिर्फ एंटरटेनमेंट वाले कंटेंट क्रिएटर्स की नहीं है। ये है नीरज वालिया, जो कि रिसेंटली इंस्टाग्राम पर काफी फेमस हुए थे एंड इसकी वजह से उनको एक कंपनी ने हायर कर लिया 50-60 लाख रुपए के पैकेज पर, क्योंकि वो लोग इनके टेक्निकल स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। ऐसे ही ये लड़का है हर्ष लिखारिया, सिर्फ 16 साल का है बट इंस्टाग्राम पर इसने कुछ ऐसे बहुत अच्छे सॉन्ग्स लिखे जिसकी वजह से इसको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली एंड बहुत सारे वेल एस्टैब्लिश्ड रैपर्स ने इसको अप्रोच किया एंड नाउ ही इज डूइंग स्टेज शोज। फिर काफी सारे ऐसे क्रिएटर एंड बिजनेसेस हैं जिनको क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स अपने कंटेंट क्रिएशन की वजह से मिलते हैं, फिर चाहे वो टेक बर्नर हो, बियर बाइसेप हो, फिजिक्स वाला हो या फिर फ्लाइंग बीस्ट हो। इनफैक्ट लास्ट ईयर तो फाइनेंस में शरण को 10 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल गई थी फ्रॉम बिलियनेयर निखिल कामत, क्योंकि फाइनेंस विद शरण एक कंटेंट क्रिएटर थे एंड काफी लोग उनको ट्रस्ट करते थे, तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर उनको 10 करोड़ रुपए मिल गए थे। All of that happened in like 1 hour. Wow. In 1 hour, the company was valued from nothing
200 crores. एक वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म जो आज से 10-15 साल पहले तक एग्जिस्ट भी नहीं करता था, उससे ना सिर्फ आज लोग करोड़पति बन रहे हैं बट हजारों लोगों को, इनफैक्ट लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, यूट्यूब इज कंट्रीब्यूटिंग 1600 करोड़ रुपीज इन इंडियन जीडीपी. तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि अगर आपको कोई भी स्किल आती है तो डेफिनेटली ट्राई योर हैंड इन कंटेंट क्रिएशन, क्या पता नेक्स्ट करोड़पति आप हो. एंड विदाउट एनी डाउट कंटेंट क्रिएशन इज नाउ द क्विकेस्ट वे टू बिकम रिच. इनफैक्ट हम ये ऑलरेडी होता हुआ भी देख रहे हैं. एंड पैसे कमाने का मजा तो जवानी में है, बुढ़ापे में पैसे कमा कर क्या करोगे. इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं. इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको कंटेंट क्रिएशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है. एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज पर वीडियो बनाऊं तो उस टॉपिक को भी कमेंट डाउन जरूर कर देना. इट हेल्प्स मी अ लॉट. ऑल्सो ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. I'll see you in the next video. Okay, thank you. Bye.